ରହିଛି କଥା, ଜୟିବା ପଛେ ଜୀବନ ଦେଲା ନୂଆଇ ନାହିଁ ମଥା, ଆରେ ନୂଆଇ ନାହିଁ ମଥା। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଗୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଥରେଇ ଦେଇଥିଲା। ମା ମାଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ ଓ ଗୌରବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନା ସେ ବୀର ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୃତ୍ୟଟିଏ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ କି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାଇମାନେ। आज से 200 साल पहले और 1857 से भी पहले उड़ीसा में सुनाई पड़ा था विद्रोह का सुर, वीरों की ललकार और क्रांति की पहली पुकार। क्षेत्र में बसा है खुर्धा नगर, जहाँ के वीर पाइक का योद्धाओं के पराक्रम के किस्से सुनने समुद्र की लहरें भी लौट लौट कर आती है। अंग्रेजों से युद्ध के बाद खुर्धा के राजा मुकुंद देव को बंदी बनाया जा चुका था। उनके दीवान और मंत्री जॉय राजगुरु ने युद्ध का पूरा जिम्मा अपने सर लिया। मुकदमा चला और 1806 में अंग्रेजों ने बड़ी निर्ममता से उनका वध कर दिया। खुर्धा अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। आए दिन नए कानून बनने लगे, लोगों से उनकी जमीन जायदाद छीन ली गई। देश को ऐसा ग्रहण लगा कि हर ओर अंधकार छा गया। सन 1817 में निराशा के काले बादलों को चीर कर निकली आशा की एक किरण, पाइक का सरदार बक्सी जगबंधु। जिस भूमि पर जय राजगुरु का खून गिरा था, उसी की मिट्टी को माथे पर लगा बक्सी जगबंधु ने पाइक का विद्रोह का शंख बजाया। अरे रे पाइक, हे आचार्य अधिपति, हे मोही रे मोहीपति, अरे तले बसुमती, ଆରେ ଅତୁଳ ବଡ ପରାକ୍ରମ ନୃପତିଙ୍କ ନୃପତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ରେ ପାଇକ।
ମହଫିଲରେ କଣ ମୋର ଏତ ରଖିଥା ଜାଣି କଣ ମୋର ଏତ ରଖିଥା ଜାଣି। बक्सी जगबंधु ने आवाज दी तो नपाइक के योद्धाओं ने अपनी तलवारें तान ली और देखते ही देखते जनता की ऐसी सेना खड़ी हो गई जिसकी हुंकार सुन अंग्रेजों का हृदय भय से कांप उठा। ଖଣ୍ଡା ତଲବାର ଭେଟା ଭେଟି ଏ ସାହାଣ ଖାମଣ ବାଙ୍କ କାଠି ଆରେ ପରଞ୍ଜ ମୁହଁକୁ ଘାଗୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟି ଆରେ ମାନ ମୁନ ଧରି ଖଣ୍ଡା ମୁଠି ଯାଦବ ପୁତ୍ର ମାରେ କୁହାଟି ସେବା କରୁଥିବୁ ତୁ କାଇ ମାଟିରେ ହେ ପାଇକ। କେତ୍ରୀ ବାଣୀ ଏବେ ମନରେ ଚିନ୍ତ କେତ୍ରୀ ବାଣୀ ଏବେ ମନରେ ଚିନ୍ତ ହରେ ପାଇକ ଏ କଳିଯୁଗ ସନ୍ଧା ଏ ଝାଡ଼ ପାତିସା ଖଣ୍ଡା ଆରେ କ୍ଷେତ୍ରୀକୁଳ ଲଞ୍ଜା ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍ଗ ଧଣ୍ଡା ଆରେ ନବକୋଟି କନ୍ୟା କଳବର୍ଗ ଚଣ୍ଡା ଭୈରବୀ ଧୂପ ଖଣ୍ଡା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଝଣ୍ଡାରେ ପାଇକ। ଲାଙ୍ଗୁଡ ଡାକି ତୁ ଜିଭୁ ପଳାଇ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଡାକି ତୁ ଜିଭୁ ପଳାଇ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେ କୁଶଲ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ପାଇକ କା ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଦାବାନଲ ବନ ଗୟା ଜିସମେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୋଁ କା ବର୍ଚସ୍ୱ ଭସ୍ମ ହୋନେ ଲଗା। जंगलों में छुपे बाइक का योद्धा घात लगाकर हमला कर गए और कंपनी के दफ्तरों गोदामों और खजानों को तहस नहस कर दे। सरदार बक्सी संघर्ष करते रहे, सबका लक्ष्य एक था, मातृभूमि की आजादी। पर जिस दिग्गज को 10 साल लंबा संग्राम नहीं हरा पाया उसे एक विश्वासघात ने हरा दिया। अंग्रेजों ने सरदार बक्सी के परिवार को नजरबंद किया और चाल चलकर ओडिशा के शेर को कैद कर लिया। निसु मोरो देह ए देश माटी रे देश बासी चली जान तु पीठी रे निसु मोरो देह ए देश माटी रे देश बासी चली जान तु पीठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरुत ही पड़ी मोर वंश हाड़ स्वाधीनता पथे तीड़े हेले नर मो जीवन दाने हेउ अग्रसर कटक जेल में देश की आजादी का सपना देखते हुए इस महानायक ने आखिरी सांस ली। पर जिस आग को ये हवा दे गए उससे हजारों मशालें रोशन हुई। वीर सुरेंद्र साई एक ऐसी ही मशाल थे। कहने को ये विद्रोह केवल 10 साल ही चला पर वीर सुरेंद्र साई ने इसे कभी मरने ही नहीं दिया।
1864 में गिरफ्तार होने तक वे अपने साथियों के साथ लगातार स्वतंत्रता के महायज्ञ में आहुति देते रहे और दुनिया को बताते रहे कि जिन नागरिकों में राष्ट्र सम्मान का बोध है वे सदा ही आजाद रहते हैं और देश हित में नई क्रांतियां लाते रहते हैं। सरदार पक्षी जगबंधु की जय, पाइक विद्रोह के वीरों की जय, ओडिशा के सच्चे सपूतों की युग युगांतर तक जय, जय जगन्नाथ।